पहली बात सुमित जी भारत और पाकिस्तान में अंतर है हम एक सभ्य देश हैं, हम एक आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ नहीं है विश्व के लिए चिंता नहीं है और एक सभ्य देश में जो उचित कार्रवाई है वो एक उचित तरीके से ही की जाती है हाँ ठीक है अगर कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे सैनिकों को वो स्वतंत्रता दी जाती है कि वो उन्हें जो कार्रवाई करनी है करनी है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि विश्व में वो एक चिंता का विषय है और वहां पर जो सभ्य देश के आधार पे जो उम्मीदें रखी जाती हैं वो एक करते करते साइड होते जा रहे हैं जी तो पाकिस्तान यदि कुछ करता है असभ्य तरीके से भारत उसे अपने आप को असभ्य बनाए और पाकिस्तान के तरह बन जाए ये तो मैं मानता हूँ उचित नहीं है। है। और ये हो नहीं सकता है लेकिन जो अम्बेसडर की बात जो करते हैं जो बराबरी की बात करते हैं वो हम अपने आप ही जो हमारे पास नियंत्रित तरीके हैं जो तरीके हो सकते हैं वो तरीके वो क्या जाते हो सकते हैं मेरा कहना ये है जवाबी जैसे कि हाई कमिश्नर को रोका गया बोरा कम्युनिटी से मिलने के लिए इनकी हाई कमिश्नर हमारे हाई कमिश्नर को कराची में आ, अब हम पाकिस्तान के हाई आ, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर में जब वो कहीं पार्टी हमारी. जाते हैं रोके कहिए नहीं जा सकते राइट right. जैसे कि एक परिस्थिति हो गई है कि हमारी अफसर वहाँ परिवार नहीं ले जा सकते हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि वो सुविधाएं इनको क्यों मिल रही है मैं नहीं कह रहा हूं कि वन टू वन जो वो कर रहे हैं करें जैसे कि कोहली साहब ने कहा उचित तरह से करें हमारी तरह से करें यह नहीं कि उनके जैसे गिरे हुए लगे लेकिन अगर आप देखिए जब मैं हमने ये कार्रवाई की थी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे ब्रजेश मिश्रा ने, ने करवाया था जी तो जो करना था कर, करना चाहिए